हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्बन शेफ। आई एम जस्मीन। आज मैं आपके साथ इमली की चटनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर ही हम घर पर समोसे, कचौरियाँ, पकौड़े वगैरह बनाते रहते हैं, लेकिन इमली की चटनी बनानी हमें थोड़ी मुश्किल लगती है। इस रेसिपी से आप आसानी से घर पर इमली की चटनी तैयार कर सकते हैं और इसको एक मंथ तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इस चटनी को आप किसी भी तरीके से खा सकते हैं, दही भल्ले के साथ, चाट पापड़ी के साथ और पकौड़ों के साथ। तो चलिए तैयार करते हैं हमारी चटनी। सबसे पहले मैं इमली ले लूँगी और ये शक्कर है, ये देगी लाल मिर्च है, ये सौंठ का पाउडर है और ये भुना जीरा है, ये सादा नमक है, ये काला नमक है और ये मगज है। मैंने इमली की चटनी में शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो गुड़ या चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। इमली को मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था पानी में। अगर आपके पास टाइम कम है और आपने चटनी तैयार करनी है तो आप इसको 2-3 घंटे गर्म पानी में डिप करके रख दें और फिर उसको पल्प जो है निकाल लें और यूज़ करें। अब हम इसको थोड़ा मैश करेंगे और जो पल्प है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इससे। इस प्रोसीजर को आप अपने हैंड से भी कर सकते हैं, बट मैंने ओवरनाइट सोक किया था तो मुझे हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट है सारा पल्प जो है। अब हम इसको स्ट्रेनर की सहायता से छान लेंगे और सीड्स और जो इसके रेशे हैं उससे जो है पल्प को वो सेपरेट कर लेंगे। मैंने सारा पल्प जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ये देखिए वेस्टेज है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इमली की चटनी। अब हम इसको बॉईल करेंगे। उबाल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसे ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको पकाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं तो इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए इमली का पल्प थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। अब इसको ढककर हम 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। ये देखिए ये अब काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे भुना हुआ ज़ीरा, काला नमक, देगी मिर्च, ये सौंठ का पाउडर है, सेंधा नमक, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें शक्कर ऐड करेंगे। मैंने 1 कप शक्कर ऐड की है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना पड़े इसमें। ये देखिए अब ये काफी थिक हो चुकी है और थोड़ी देर अब इसको हम और पकाएंगे। मैंने इसको थोड़ा टेस्ट करके देखा था तो मुझे इसमें खटास थोड़ी ज़्यादा लगी तो मैं इसमें 1/2 कप शक्कर और ऐड कर रही हूँ। इसको आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये मुझे थोड़ी थिक भी लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी थोड़ा इसको सेट करने के लिए, क्योंकि अगर जब ये ठंडी हो जाती है उसके बाद भी ये थोड़ी थिक हो जाती है तो इसलिए हमें इस टाइम पर अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो वाटर कच्चा नहीं रहेगा, पक जाएगा और हमारी चटनी जो है वो देर तक रहेगी और ख़राब नहीं होगी। चटनी को पकाते हुए मुझे 10 मिनट और हो चुके हैं तो अब चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर जो है वो चेंज हो चुका है
और ये थोड़ी ग्लेज की तरफ आ चुकी है, तो ये बनने वाली साइड में है, तो थोड़ा सा अभी हमें इसको और पकाना है, ज़्यादा नहीं। दस मिनट हो चुके हैं मुझे इसे और पकाते हुए। ये देखिए हमारी चटनी जो है एकदम रेडी हो चुकी है, और ये इतनी थिक हो चुकी है कि जो मेरा सर्विस स्पून है उसको कोट कर रही है। ये देखिए इससे ज़्यादा थिक हम नहीं करेंगे, हम अब गैस को बंद कर देंगे और इसको सर्व कर लेंगे, क्योंकि जब ठंडी हो जाएगी तो ये और थिक होगी। ये देखिए अब इस पे हम जो मगज़ हैं हमारे वो ऐड ऑन कर देंगे। इसको मैंने थोड़ा रोस्ट करके रखा था। तो रेडी है आपकी इमली की चटनी। तो फ्रेंड्स आप भी बनाइए रेसिपी और मेरे साथ अपने फीडबैक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। थैंक यू।